विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश और विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले पदाधिकारियों, संगठन से जुड़े कर्मचारियों और संविदा कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारी शंभू शरण श्रीवास्तव ने बताया कि अभियंताओं और अवर अभियंताओं द्वारा संगठन के पदाधिकारियों तथा संगठन से जुड़े कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के साथ बदले की भावना से दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों के द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह के माध्यम से मुख्य अभियंता महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर अपनी 11 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारी शंभू शरण श्रीवास्तव ने कहा, शंभू शरण श्रीवास्तव, जोन प्रभारी गोरखपुर। ये हमारे विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन का जो है केंद्रीय आवाहन पर ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। हमारी जो 7 सूत्रीय समस्याएं हैं उनके लिए हम लोग धरने में बैठे हैं। जो हमारे नेताओं का निर्देश है उनके अनुसार आज हमारा दिन भर का कार्यक्रम है। हम यहाँ ज्ञापन देंगे अपना मुख्यमंत्री को और चेयरमैन को। इसके बाद हमारा 10 तारीख को जो है हमारा यहाँ समाधान नहीं होता है तो हमारा MD ऑफिस पर जो है अगला कार्यक्रम है। ये हमारा कार्यक्रम है और हम लोग इसके लिए तन धन से लड़ रहे हैं। विभाग का जो है निजीकरण ना हो, उसको रोका जाए। जो हमारे कर्मचारियों के साथ आज जो संविदा साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे सरकार का जिन लोगों ने साथ दिया एक तरह से, जिस दिन जो है संघर्ष समिति का हड़ताल था, हमारे संविदा के लोगों ने काम किया क्योंकि उनको निर्देश था ऊपर से कि वो जो है काम करेंगे, उन्होंने काम किया। आज उस पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको हर तरह से जो है दुखित किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। किसके माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे? हम यहाँ पर मुख्य अभियंता के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे और ये हमारा जो है कि सभी को जो है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को, सभी को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा अगला कार्यक्रम 10 तारीख को MD ऑफिस पर है। वहाँ से भी नहीं होता है तो अगला जैसा निर्देश मिलेगा संगठन का वैसा हम आगे भी करेंगे।